आज का हमारा ट्यूटोरियल ज्वेलरी बॉटल आर्ट पर है। आप इसे दिवाली डेकोर के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाय, दिस इज काशी, वेलकम टू माय चैनल काशी होम डेकोर आइडिया। दिवाली और धनतेरस पर ज्वेलरी परचेस करना हमारा चलन रहा है, तो ये डिजाइन हमने गूगल से निकाल कर चूज किया है और यहाँ लिया है इस तरह का ग्लास बॉटल। बॉटल के साइज के अकॉर्डिंग डिजाइन का प्रिंट आउट लिया है, इसे किसी भी हार्ड सरफेस पर इस तरह से स्टिक कर लिया है और इसी तरह ओएसपी शीट को भी स्टिक कर लिया है और इसी डिजाइन का दूसरा प्रिंट आउट लेके उसे इस तरह से कट कर लिया है। ब्रश की हेल्प से उसके बैक साइड में पानी लगाकर उसे सॉफ्ट किया है, फिर बॉटल पर व्हाइट ग्लू लगाकर डिजाइन को उस पर स्टिक किया है। अब हम यहाँ यूज करेंगे फेविक्रिल का मोल्डेड। दोनों स्टिक को बराबर क्वांटिटी में लेकर अच्छे से मिला लिया है। क्ले के साथ काम करते समय हाथों पर टेल का पाउडर का यूज कीजिए। एक तरीका ये है कि हम डिजाइन के ऊपर क्ले लगाकर और कट कर उसे तैयार करेंगे और वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम डिजाइन को तैयार करते जाएंगे। और उस डिजाइन को लेके बॉटल पर स्टिक करेंगे और यहाँ पेन की कैप से डिटेल तैयार किया है और पेन के फ्रंट से इसके साइड की डिटेल तैयार किए हैं। इसी तरह नेकलेस का पूरा बेस तैयार करना है। अब आगे का डिजाइन तैयार करते हैं। दूसरे तरीके में हम डिजाइन को बॉटल पर सीधे तैयार करेंगे। यहाँ क्ले लगाने से पहले ग्लू लगाते जाइए और डिजाइन तैयार करते जाइए। डिजाइन को प्रॉपर लुक देने के लिए किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। डिटेलिंग के लिए क्ले टूल्स या पेन, कैप और डिटेल का भी यूज कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए तरीके से डिजाइन बनाते जाइए और उस पर डिटेलिंग तैयार करते जाइए।
नेकलेस का डिज़ाइन लगभग पूरा हो गया है। अब हम इसके चोकर का डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसके बाद हेड ज्वेलरी तैयार की है। अब बॉटल के कैप का डिजाइन तैयार किया है। इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से बॉटल का कैप तैयार किया है। व्हाइट ग्लू पर क्ले लगाकर बॉटल के कैप को फिट करना है। अब इस पर वीडियो में दिखाए गए तरीके से डिटेल तैयार करते जाइए। अब बॉटल को पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ना है। बाद ब्रश में थोड़ा सा पानी लेकर डिजाइन पर लगाया है। निडल या नाइफ की हेल्प से प्रिंट किए हुए एक्स्ट्रा पेपर को निकाल दीजिए। अब इस पे किया है व्हाइट जेसो। व्हाइट जेसो घर में कैसे तैयार किया जाए इसका एक वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। व्हाइट जेसो पूरी तरह से सूखने के बाद यहाँ किया है ब्लैक एक्रेलिक कलर। ब्लैक एक्रेलिक कलर सूखने के बाद यहाँ किया है गोल्डन कलर। आप कोई भी मेटेलिक कलर ले सकते हैं। अब इसके बाद लिया है कॉपर मेटेलिक कलर और बस इसे हल्का सा हाईलाइट करते हुए लगाना है। कलर पूरा हो चुका है। अब अपने इस आर्ट पीस को सेव करने के लिए आप इस पर ट्रांसपेरेंट वार्निश का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर काशी होम डेकोर आइडिया की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।